हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं हमारे यहाँ पर बहुत दिनों बाद में जो है थोड़ी सी धूप निकली है, तो प्लांट्स की जो है थोड़ी सी कंडीशन ठीक होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं रोज़ प्लांट जो हैं वो बारिश की वजह से फ्लावर, इनके फ्लावर जो है 10-10, 12-12 दिन तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं, लेकिन 3-4 दिन में ही इनकी रंगत उड़ गई है। और आप देख सकते हैं इनको सबको कट करना पड़ेगा, और कलर जो है फेड हो गए हैं, पेटल्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। और ब्लूमिंग आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, प्लांट भी मेरे काफ़ी हेल्दी हैं। तो अब इनको जो है सेकंड फर्टिलाइज़र दूंगी, मतलब सेकंड टाइम इनको फर्टिलाइज़ करूंगी, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और कितने अच्छे अच्छे से फ्लावर निकले हुए हैं, आप देखिए कितना सुंदर शेड है इसका, लाइट पिंकिश वाइट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और बाद में ऐसे हो जाते हैं बिना रंग के, वाइट कलर के इस टाइप में। तो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है फ्लावर्स की, रोज़ प्लांट जो हैं बहुत अच्छे ब्लूम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ कि आज मैं आपके साथ में क्या शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी साल्विया प्लांट की केयर के बारे में। तो हमारे यहाँ पर बारिश गिरी, इसके कारण मैंने तो फुल, मतलब जो खुले में ही इनको रख रखा था, तब भी आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे बालकनी में जो है ऐसे ही खुले में रखे हुए थे, तो इनकी कंडीशन आप देखिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन बस एक ही इसमें प्रॉब्लम हुई है कि इसमें थोड़े से जो ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं ये धूप ना लगने की वजह से हो गए हैं, तो इन पर जो है मैं नीम ऑयल का स्प्रे या फंजीसाइड का स्प्रे करूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो इनकी केयर के बारे में बात करती हूं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। तो सबसे पहले इनकी सॉइल की बात करती हूं। अगर आप इनकी सॉइल अच्छी बनाते हैं फ्रेंड्स, बेल्ड्रन सॉइल बनाना चाहिए अगर आप इनकी सॉइल अच्छी बनाते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 दिन तक लगातार बारिश गिरी, लेकिन उसके बाद भी ये प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी क्या एकदम हेल्दी हैं, और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इनकी सॉइल मैंने जो बनाई है, एक भाग मिट्टी है, एक भाग सैंड है, और एक भाग बर्मी कंपोस्ट है। उस टाइम पर फ्रेंड्स जो है मेरे पास में गोबर की खाद अवेलेबल नहीं थी, अगर गोबर की खाद होती फ्रेंड्स तो मैं इनको ज़रूर गोबर की खाद देती, क्योंकि गोबर की खाद भी बहुत ही अच्छी होती है, ओरिजिनल होती है, ऑर्गेनिक होती है। तो आपके पास में अगर गोबर की खाद है तो आप इसको ज़रूर दें। और कलर की बात करूँ तो इनके जो है पिंक, आपको ये ऑरेंज दिख रहा है लेकिन ये पिंक कलर का मैं लेकर आई थी, लेकिन अब ये कुछ ऑरेंज शेड में आ गया है, और इसकी जो बाद में जो ऐसी पेटल्स निकलती हैं ये लाइट पिंक निकलती हैं, पिंक और रेड, वाइट, पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, ऐसे कलर्स मिलते हैं। तो नॉर्मली जो है रेड कलर ही इनका अधिकतर नर्सरी में अवेलेबल होता है। और प्राइस की बात करूं फ्रेंड्स तो आपको ये 20 से 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। और इनकी फ्लावरिंग की बात करूं तो अगर इनकी अच्छी सॉइल रही, अच्छे से केयर हुई, तो ये आपको मार्च अप्रैल तक अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। और आप इनकी मैं बात करूँ कि फर्टिलाइज़र की, तो आप इनको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप इनको DAP के 2-4 दाने पॉट के हिसाब से दे सकते हैं, या आपके पास में कुछ भी नहीं है, गोबर की खाद है तो आप इसको गोबर की खाद दे सकते हैं, साइड साइड में गुड़ाई करके बस गोबर की खाद डाल दें, टच ना करें, इसका जो पोर्शन होता है यहाँ से इसको टच ना करें, दूर दूर से इसमें गुड़ाई करें और उसमें खाद दे दें, तो बहुत अच्छे से चलते हैं प्लांट। और वाटरिंग की बात करूं फ्रेंड्स कि इनकी वाटरिंग कैसे करनी है, तो मिट्टी चेक करके ही, जितने भी विंटर के प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स उनको मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग करें। और इनके सब कलर में जो रेड कलर होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट होता है, रेड रेड जो होता है ग्रीन लीव्स में रेड कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने एक पॉट में 2 कलर के प्लांट लगाए हैं, एक वाइट और एक रेड। तो मैं ये इनको रेनी सीजन में ख़रीद कर लाई थी, तब बहुत ही कम जगह पर विंटर्स के प्लांट्स मिलते थे, तो मुझे ये रेड सॉइल में मिला हुआ था। तो काफ़ी दिनों तक ये जो प्लांट है मेरे, मतलब कि शौक में भी थे, क्योंकि मैंने इनकी सॉइल चेंज कर दी थी, पूरी सॉइल निकाल डाली थी बकेट में डालकर, पूरा इनको इनकी सॉइल एकदम से रिमूव कर दी थी। तो अभी आप इनकी रंगत देख सकते हैं, कितने अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। और प्लांट को हेल्दी रखने का एक और तरीका है कि जितनी भी येलो लीव्स हैं उनको आप हटाते जाएं,
जिससे कि आपके प्लांट में फंगस ना लगे। और विंटर के जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनको आप 15 दिन में 10 दिन में आप जैसे आपको टाइम मिले आप फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, या स्प्रे नहीं करते हैं तो यहाँ पर साइड साइड में एक एक आधी आधी चम्मच जैसा फंजीसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करें आपके विंटर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो है फंगस नहीं लगेगा और आपके प्लांट जो है लंबे टाइम तक चलेंगे। और कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो लंबे टाइम क्या एक एक साल तक चल जाते हैं, नेक्स्ट विंटर तक भी साथ रहते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तो शायद ये भी चल जाए। मैं इस बार कोशिश करूँगी क्योंकि इतनी बारिश में ये प्लांट चल गया तो इसको साल भर तक चलाना ईजी हो सकता है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी। बाकी तो मौसम के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है गुजरात में, तो थोड़ा पॉसिबल कम होता है, लेकिन ट्राई करूँगी फ्रेंड्स कि ये प्लांट मेरे चल जाएँ साल भर तक। तो इसी तरीके से केयर करनी है फ्रेंड्स। और इनकी मतलब सनलाइट की बात करूँ तो इनको विंटर में तो फुल सनलाइट में आप रखें, फुल सनलाइट में रहेंगे तो काफ़ी अच्छे ब्लूम करेंगे, इनकी बर्ड्स जो हैं अच्छे से आएंगी और इनमें किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक नहीं होगा। और अगर आपको पेस्टिसाइड की बात करूं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, नीम ऑयल का, और 15-15 दिन में फंजीसाइड का, तो आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और इस टाइप के हैं तो एमिडाक्लोपिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इस टाइप के जो ब्लैक कलर के एफिड्स लगे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत ही कम मात्रा में इस पर स्प्रे करें, क्योंकि फ्लावर्स हैं तो फ्लावर जो है ख़राब हो जाएंगे। और अगर आपको प्लांट बूसी चाहिए तो बूसी बनाने के लिए फ्रेंड प्लांट को जैसे ही फ्लावर की जो फ्लावर जो है स्पेंड हो जाते हैं तो उनकी जो स्टिक है ये स्टिक को आप यहाँ से कट करेंगे तो नेक्स्ट दो ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगी तो आपका प्लांट काफ़ी बूसी हो जाएगा। मैं ये जो प्लांट लाई थी फ्रेंड्स इसमें एक ही एक ब्रांचेस थी, लेकिन इसको मैंने कट कर करके और भी ज़्यादा बना लिए हैं, अच्छे हेल्दी प्लांट बना लिए हैं, बूसी हो गए हैं प्लांट। तो इसी में के मैंने चार प्लांट और ऐड किए हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनको मैंने शेडी प्लेस में रख दिया था, न्यू रिपोर्ट किए थे और उनकी जितने भी स्टिक हैं उनको मैंने सबको कट कर दिया है, तो वो प्लांट अच्छे से भूसी हो जाएंगे। तो आपको अपने गार्डन में अगर कलरफुल प्लांट और अच्छे से खूबसूरत प्लांट चाहिए तो आप साल्विया प्लांट को ज़रूर ऐड करें। साल्विया जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत ही इसके लीव्स का साइज ही बहुत ही खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और अपने गार्डन आप चाहें इसकी प्रोपोगेशन की बात करूं तो इसको आप कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग से ये प्लांट जो है इजीली लग जाता है, कोई सी भी छोटी सी कटिंग ले लें। वैसे मैंने जो है इसकी कटिंग लगाई थी मुझसे नहीं लगी है, लेकिन मैं फिर से ट्राई करूंगी, इसकी कोई भी बिगर स्टिक वाली कोई भी ब्रांच छोटी सी लेकर आप उसको लगा सकते हैं तो आपकी इजीली लग जाएगी, नोड एरिया वाली कटिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।